संसद के लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस जारी है। इससे पहले आज राज्यसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, इससे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। संसद में आज तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई मौतों के प्रति संवेदना जताई गई। संसद में चल रहे बजट सत्र के छठे दिन आज विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कुछ देर स्थगित रहने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई और कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद लोकसभा ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद हुई तबाही को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दोनों देशों में हुए इस तबाही के कारण हजारों लोगों की जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए सदन में कुछ देर का मौन रखा गया। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। और लोकसभा में गतिरोध समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत की और इससे पहले भाजपा के संसदीय दल की आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा लिए। भाजपा के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सदन के सुचारू रूप से चलने की आशा जताई है।